देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिगेटिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहाँ पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो, तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे। लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया, और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोज में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कॉन्स्टेबल्स फोर्स लगी हुई है, तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया, उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेटिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक करने अपना धरना शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन हमें जाने नहीं दिया। ये जो हमारे रसलर्स हैं, ये जंतर मंतर पर पिछले 38 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, वहाँ बैठे हैं, जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहाँ जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी, और ये रसलर्स लगातार वहाँ बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे, जाते थे, और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो, वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था, हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया, तब भी हमने इनके साथ काफ़ी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी या कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहे। फिर इनके साथ काफ़ी बातचीत करने के बाद हमने वह भी करवाया इनके साथ, वह भी सम्पन्न हुआ, शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। लेकिन कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहाँ पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रिजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे वहाँ। बिल्कुल इन्होंने वहाँ लेट केयर और काफ़ी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज़ भी कर दिया गया।